सब्सक्राइब सीरीज के जरिए मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी फेमस यूट्यूबर से, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो एंड वेलकम टू द वेब सीरीज ऑफ फेमस यूट्यूबर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजीमाला और आज मेरे साथ है एक ऐसी लड़की जो कि बेहद खूबसूरत है और इनकी खूबसूरती के चर्चे आपने डेफिनेटली नहीं सुने हैं क्योंकि आपने सुने हैं इनके स्वादिष्ट खाने के चर्चे। मेरे साथ है आज यूट्यूब की फेमस कुक हिमांशी और इनके चैनल का नाम है हिमांशीज वर्ल्ड। हिमांशी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए इतना अच्छा खाना आप बनाती हैं, कहाँ से आई आपको ये इंस्पिरेशन, ये मोटिवेशन कैसे आई और आपने कैसे अपना चैनल बनाया? एक्चुअली में मैम बचपन में बहुत अर्ली एज में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी तो बहुत अर्ली एज में मुझे किचन में एंटर होना पड़ा और जल्दी एंटर होने के चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा शुरू में प्रेशर आता था कि चलो कुक करना है, कुछ बनाना है, क्योंकि हमको भी जिम्मेदारी जल्दी ही उठानी पड़ी। लेकिन एक प्रेशर बाद में एक पैशन कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं जैसे आपने मुझे पहले भी बताया कि आपकी मदर जो है वो कम एज में एक्सपायर हो गई थी, तो ऐसे में बच्चे के घर में अगर मदर नहीं है और बड़े बूढ़े भी नहीं है जो खाना बनाना सिखाएं, तो आपको किन्होंने इनिशियल ट्रेनिंग दी? मेरे फादर ने मुझे इनिशियली ट्रेन किया कुकिंग को लेके और उन्होंने ही मुझे बेसिक कुकिंग स्किल्स सिखाई थी। ओके और उसके बाद आपकी कोई फॉर्मल एजुकेशन कुकिंग को लेकर? मेरी ही कुकिंग गुरु हैं जिन्होंने मुझे बेसिक कुकिंग सिखाई थी, इंडियन कुकिंग सिखाई थी, तो उनसे मैंने 3 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स किया था कुकिंग को लेके। ओके अच्छा तो आपने अभी तक कितनी रेसिपीज डाल दी हैं? मेरी 300+ रेसिपीज हैं यूट्यूब पे। ओके और किस तरह का रिस्पांस आपको मिलता है और लोग आपसे किस तरह की डिशेस के लिए ज्यादा डिमांड करते हैं? मेरे को इतना अमेजिंग रिस्पांस मिलता है, आई कैन नॉट बिलीव। मैं पहले सोचती थी कि मैं शायद इतना अच्छा कुक नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लोगों ने एहसास दिलाया कि नहीं आप मैम बहुत इनोवेटिव कुकिंग करती हैं और जिस तरह के कमेंट्स आते हैं ना वो बहुत दिल जीत लेते हैं मेरा, तो वो लेके और ज्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ और मुझे ज्यादातर और ज्यादा इनोवेटिव रेसिपीज की डिमांड आती है, हेल्दी रेसिपीज की डिमांड आती है और लोग बोलते हैं कि इसके बाद और क्या, तो मैं वो बस बनाने की कोशिश करती हूँ। आपको क्या लगता है कि आप जो डिशेस बनाती हैं आप मतलब आप जो लोगों से कनेक्ट होती हैं तो उसका USP क्या है, कैसे कनेक्ट हो जाती है, लोग आपसे कैसे जुड़ जाते हैं? देखिए सबसे बड़ा अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट होना चाहिए कि जो आप अंदर से हैं वही आपको बाहर दिखाना पड़ेगा, आप फेक नहीं हो सकते। ओके तो मैं अंदर से ऐसी ही हूँ और वही लोगों को पसंद आ जाता है और इनोवेशन और कुछ नया हमेशा लोग ढूंढते रहते हैं। अच्छा हिमांशी जी बहुत सारी लेडीज जो आपको देखती हैं और आपकी बताई हुई रेसिपीज घर में ट्राई करके पूरा क्रेडिट ले लेती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बोलती हूँ बहुत ही अच्छी बात है, लीजिए क्रेडिट, क्यों नहीं लीजिए। मैं भी कभी किसी से इंस्पायर हुई थी तो इंस्पायर होके कुकिंग करते हैं अगर आप और आपकी कोई तारीफ करता है देन दैट्स प्लस पॉइंट फॉर मी, मुझे भी इनडायरेक्टली आपकी दुआएं मिल ही जाती हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा अच्छा हिमांशी जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्योंकि अब इतनी रेसिपीज बना चुकी है, डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस अब बहुत हो चुका है, लेकिन कभी आपने ऐसा फील किया था शुरुआती दिनों में कि मतलब नहीं हो पा रहा है या ये रेसिपी तो बहुत टफ है नहीं हो पा रही है कैसे मैनेज करूंगी, ऐसी कोई रेसिपी जो आपको याद हो? एक कभी मतलब 3-4 महीने पहले एक ऐसी रेसिपी हुई थी, मैंने गाजर के कोफ्ते बनाए थे और उसके अंदर मुझे ग्रेवी बनाते वक्त अटक गई थी, मुझे लगा ये ग्रेवी फट गई है मतलब दाने दाने हो गए हैं, मैंने गरम में दही डाल दी थी गरम कढ़ाई में तो मुझे लगा फट गई है, लेकिन उसी वक्त एकदम से आई डोंट नो कहां से भगवान का मेरे पे आशीर्वाद है मुझे एकदम से नया आइडिया आया और मैंने ग्रेवी को थिक कर और उसको और वो रेसिपी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई, तो वो चीज है जो याद रह जाती है कि अगर आपके साथ कहीं गड़बड़ हो गई है रेसिपी में, कहीं आप अटक भी गए हैं देन तभी भी आप उसका कुछ तो बना ही सकते हैं, उसको वेस्ट करने से अच्छा है उसको मॉड्यूल करके कुछ और बना दीजिए। हाँ बिल्कुल। हिमांशी जी आप यूट्यूब पर लाइव वीडियोस भी डालती हैं, तो जब लाइव कोई चीज हो रही होती है तो जो धड़कने हैं वो थोड़ी सी ज्यादा लाइवली होके बढ़ने लगती हैं, तो कितना डर लगता है आपको?
शुरू में तो आप पूछिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था मुझे. शुरू में जब मेरे को मेरे हस्बैंड ने बोला कि और भी यूट्यूबर्स हैं जो लाइव करते हैं, और मेरे को बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी बोला कि मैम लाइव आइए, हमको आपसे इंटरेक्शन करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा, अपनी ऑडियंस को पहचान पाएंगे हम, मेरे कौन से सब्सक्राइबर्स हैं उनको पहचान पाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी. लेकिन हल्की सी गुदगुदी हुई थी दिल में शुरू में कि कैसे होगा, क्या करेंगे, अगर जवाब नहीं आया तो क्या बोलेंगे, और किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर ही नहीं आता है तो क्या करेंगे, फंस जाएंगे तो क्या होगा. लेकिन धीरे धीरे करते करते लोगों का प्यार मिलता गया. लाइव में बहुत ज्यादा प्यार मिलता है लोगों को, आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है और बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं. मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जिनके मुझे नाम याद हैं, जैसे एक मीनू गुजराल जी हैं, शुरू से मेरे चैनल के साथ जुड़ी हैं और आई लव दैट लेडी. उन्होंने मुझे फोन करके भी बात की है, तो वो कहाँ रहती थी मैं कहाँ रहती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन है, बहुत ही अच्छा लगता है. अच्छा ऑडियंस, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि एक बार लाइव सेशन के दौरान इनको एक बार नहीं दो बार ब्लैकआउट हुआ था, और उस टाइम इन्होंने ये झूठ बोला था कि मुझे चक्कर आ रहा है. एक्चुअली इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इस वजह से इन्हें लाइव सेशन रोकना पड़ा था. तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप अपने यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स है, जो आपके फॉलोअर्स, उनके लिए आप मेहनत तो बहुत करती है, बट थोड़ा सा अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है. अगर हम है तभी हमसे जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये तो है. अच्छा हिमांशी जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है. देखिए फेवरेट रेसिपी तो कोई सी भी नहीं होती है, सब दिल से निकलती है. लेकिन मीठा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. और मीठी जितनी भी रेसिपियां हैं, स्पेशली केक्स, आई लव केक्स. मतलब मेरा ये मोटापा सिर्फ केक्स की वजह से है, वरना मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ. नहीं नहीं, ऐसा मत कही, क्योंकि मैंने शुरुआत ही ऐसे की है कि ये एक बेहद खूबसूरत लड़की और ये है, और मोटापा तो होता है, ठीक है, ब्यूटीफुल मोटापा है. नहीं, और पेट थोड़ा, सांस थोड़ी रोक लीजिए, ऐसे मोटापा कम. अच्छा हिमांशी जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आज से 4 साल के बाद आप अपने आप को और हिमांशी's वर्ल्ड को आप कहाँ देखती हैं? मेरे को 4 साल के बाद तो एग्जैक्टली नहीं पता है, इतना बड़ा एम नहीं बनाया है. लेकिन मुझे बहुत 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 ज्यादा ग्रो करना है चैनल को. ग्रो करना इन अ सेंस रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है, मुझे बहुत सारे प्यार करने वाले लोग चाहिए मेरे आसपास. अगर इतना सारा ग्रुप मुझे 10 लाख लोग, 20 लाख लोग मुझे जानने लग जाएं और मेरी चीजों से वो खुश होने लग जाएं घर पे, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती. मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा कर्मा जनरेट हो जाएगा, तो वो मुझे बहुत करना है और बहुत ही अच्छा लगता है अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा मुझसे लोग जुड़े, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट की बात है. हिमांशी जी, आपकी जो जर्नी रही है, एक 6 साल की बच्ची जिसकी मदर एक्सपायर हो गई, और उसके बाद कम उम्र में शादी, फिर दो बेटियां छोटी छोटी, और उसके बाद हिमांशी's वर्ल्ड नाम से आपका यूट्यूब चैनल, ये बहुत टफ होता है. और अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है या आपके अंदर वो विल पावर नहीं है, तो आप उस लेवल से, उस नीचे के लेवल से आज के इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते. बहुत सारी लेडीज घर में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहे हैं, या हो सकता है कि आज वो उस लेवल पर हो जिस लेवल पर आप आज से 4 साल या 5 साल पहले हो. तो क्या आप उन्हें कहना चाहेंगी कि वो कैसे अपने अंदर का मैं जो है उसको बाहर लेकर आए और किस तरह से लाइफ में आगे ग्रो करें? देखिए मैं बस इतना ही बोलूंगी कि मैं भी आपके जैसी नॉर्मल इंसान हूँ, और बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक हाउसवाइफ होती है, अपने घर बच्चों को संभालती है, घर का काम करती है, अच्छा खाना बनाती है, सफाई रखती है घर में, सबका ध्यान रखती है, बीमारी में मदद करती है. मैं भी सिंपल वैसी ही एक लड़की थी. लेकिन एक बात समझिए कि आप सब काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आप इंसान हैं. मतलब हाउसवाइफ ये भूल जाती है कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी कुछ ड्रीम्स होते हैं. हम सिर्फ दूसरों के ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने में मदद नहीं कर सकते, हमारे खुद के भी पर्सनल ड्रीम हैं जिनको हम सक्सेसफुल बना सकते हैं. और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा सा बहादुरी मैं कहूंगी, और थोड़ा सा अपना अपना माइंड ओपन करने की जरूरत है. मैंने शुरू में जब सोचा था कि मैं करूंगी ऐसा काम और मैं मतलब प्रोफेशनली ये करूंगी, तो मुझे 2 छोटे बच्चे दिखाई दिए, मेरे चारों तरफ मेरा घर दिखाई दिया, मेरे पति दिखाई दिए जो जो कि सबके मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. लेकिन फिर मुझे दिखाई दिया कि अगर करना है तो अकेले करना है, पर मैनेज करके करना है. तो ये बात थी कि मैनेज करा और हो गया.
क्या बात है। तो बहादुरी से हुआ बस, बहादुरी आप सब ढूंढिए अपने अंदर। हाँ। सबके अंदर बहादुरी होती है, सबके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट होता है, और अगर आप उस टैलेंट को पहचानते हैं और बढ़ाते हैं तो फिर इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात। हिमांशी जी आपसे ये इंटरेक्शन में बहुत मजा आया। एक लास्ट सवाल आपसे, आप अपनी इस सक्सेस का क्रेडिट किनको देना चाहेंगी? मेरे पति को दूंगी मैं क्रेडिट, मेरे बच्चों को भी दूंगी मैं क्रेडिट, और सबसे बड़ी बात है मैं अपने अंदर की बहादुरी को भी क्रेडिट दूंगी। मेरे पति बहुत बहुत ज्यादा चटपटे हैं, चटोरे टाइप के इंसान हैं। तो अगर इस तरह का इंसान आपको लाइफ में मिलता है तो वो आपको पुश करेगा हमेशा, और ये पॉजिटिव पुश है कि कुछ नया बनाओ, कुछ इनोवेटिव बनाओ। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पुश की लाइफ में, और मेरे बच्चे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, मुझे मेरा काम करने देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी, और अपने अंदर की बहादुरी मेरे को सबसे ज्यादा यहाँ तक लेके आई है। अगर आप बहादुर हैं तो आपने अंदर से निकाली, आप में कोई कमी नहीं है, आप भी सब कर सकते हैं। सबकी सब लेडीज कैटरीना कैफ होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वही एक है। आपके अंदर भी माधुरी, कैटरीना, निशा मधुलिका सब है, बस कोच के निकालने की देर है। क्या बात है। तो हिमांशी ने आप लोगों को बता दिया है कि आपके अंदर कैटरीना, माधुरी सब कुछ है, और जो आपको लेके आना है वो है एक चटपटा पति, क्योंकि जब तक वो आपको पुश नहीं करेगा तब तक आप अच्छा अच्छा खाना नहीं बनाएंगी। तो इसी तरह हिमांशी जी के साथ हिमांशी इज वर्ल्ड से जुड़िए, अच्छा सा खाना बनाइए, और अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी तमन्ना है कि आप होम मेकर हैं लेकिन उससे कुछ और ऊपर आगे बढ़ना चाहती हैं, तो अपने उस करेज को बाहर निकालिए जिसके जरिए आप भी हिमांशी जी की तरह एक वर्ल्ड फेमस यूट्यूबर बन पाए। आज की फेमस यूट्यूबर्स की इस वेब सीरीज में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नए फेमस यूट्यूबर के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए योर मस्त मस्त माला सेज बाय। इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और एक सेकेंड पसीना बहुत आ रहा है, आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। हाँ अभी ठीक है, एक ऑल सेट। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशी। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ माला नेगी से, है ना, कर सकते हैं। पहले बहुत सारी बातें मैं आपकी जगह ले लेती हूँ। क्यों हिल गया क्या कुछ? नहीं यार ऑन है। जब हाउसवाइफ ये भूल जाती है कि हम भी इंसान हैं, हमारी भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, हम सिर्फ दूसरों के ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने में मदद नहीं कर सकते, हमारे खुद के भी पर्सनल ड्रीम है। बिल्कुल सही बात। सर और कुछ रह गया है जो डन? अरे थैंक यू तो बोलो। हाँ नहीं बस मैं वही पूछ रही थी, और कुछ रह तो नहीं गया, तो अब इसके बाद बाय ही है। देना चाहेंगी आप अपनी सक्सेस को? चिड़पति को, मेरे चटपटे पति को, क्योंकि उनकी चटपट कभी शांति नहीं होती, तो मुझे नया नया खाना रोज बनाना पड़ता है, दैट्स व्हाई। ओके हाँ बोल दूँ सही में चटपटा पति? हाँ चटपटा मसालेदार काम बनेगा। ओके बाय। इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय।